हाय डूड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं योग और अंतर पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, आज उनके बारे में हम बताएंगे। तो एक फॉर्मूले टाइप में अब याद कर लीजिए, जैसे कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या की बात करता है तो बड़ी संख्या क्या होती है? योग प्लस अंतर अपॉन टू। अगर आपको योग दे रखा है और अंतर दे रखा है तो उसकी जो अपॉन टू कर देंगे तो कौन सी आ जाएगी? बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर छोटी संख्या निकालनी है आपको तो योग माइनस अंतर अपॉन टू, तो क्या आ जाएगी? डायरेक्ट छोटी संख्या आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट और डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूले बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन को इसके आधार पर। गाइज, हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उसका अंतर कितना है? 14 है, 14 है, तो वो सब बड़ी संख्या बताइए। तो हमने आपको क्या बताया था कि बड़ी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ी संख्या इक्वल क्या हो जाएगा आपका? मैंने क्या बताया था, बड़ी संख्या क्या होती है? योग प्लस अंतर, मतलब योग प्लस अंतर अपॉन टू। अब देखिएगा, अब आपको योग दे रखा है 46 और अंतर दे रखा है आपको 14 अपॉन टू कर देंगे, इसका जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 0 5 एंड 6 अपॉन टू, इससे काट लेंगे, इक्वल टू 30 बार कट जाएगा। तो जो आपका आंसर आ गया वो क्या आ गया? 13 ही आपका आंसर है। तो बेहद शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं कि अब बड़ी संख्या आपने निकाल ली। अगर मान लीजिए कि आपको एक छोटी संख्या निकालनी होती, कौन सी? इससे छोटी संख्या निकालनी होती तो छोटी संख्या का हमने क्या बताया था आपको कि योग माइनस अंतर करते हैं, तो आपका जो एडिशन है माइनस डिफरेंस करेंगे अपॉन टू, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका कितना दे रखा है? 46 दे रखा है, माइनस 14 दे रखा है, अपॉन टू दे रखा है, तो डिफरेंस हो गया इस तरीके से। अब आपको इसका सबस्ट्रैक्ट कर देना, टू और बाई 3 बच जाता है आपका यहाँ से, तो अपॉन टू। अब इससे काट दीजिए 1 बार और 6 बार, मतलब 16 बार कट गया आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 16। तो छोटी संख्या पूछे, यदि आपको ये फॉर्मूला ट्रिक याद होगी तो डायरेक्ट आपको इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। जो अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहता है कि ए प्लस बी प्लस सी में करते हैं, जैसे कि ए प्लस बी बराबर 46 और ए माइनस बी इक्वल टू 14। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, फिर 2a करेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू यहाँ से 16 अपॉन 2 निकालेंगे, फिर 30 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में करने के लिए, बड़ी संख्या निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से निकालने का एक ही तरीका है कि आप सिंपल और सिंपल क्या करें, योग प्लस अंतर बड़ी संख्या। आप माइंड में भी कैलकुलेट करेंगे, अगर 46 और 14 कितना हो गया? 14, तो ऐड करेंगे 16 हो गया, 16 का आधा करना होता है तो आधा कर देंगे आप डायरेक्ट ही, तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको छोटी संख्या पूछ रहा है तो उसमें से योग में से 14 अंतर कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 32 आ जाएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो 16 आ जाएगा, तो 16 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से गाइस बड़ी आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको दे रखा है, तो पहली लाइन आपने क्वेश्चन सॉल्यूशन आपका क्या होगा कि जो अपने दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है, तो मतलब आप एक सिंपल शॉर्ट शब्द में लिखिएगा उसका एडिशन जो है और उसके डिफरेंस का कितना है? 2 गुना है। तो इसका मतलब क्या होगा? जबकि छोटी संख्या जो है आपकी, मान लीजिए छोटी संख्या आपकी बी मान लीजिए, स्मॉल बी, तो वो कितनी दे रखी है आपकी? 10 दे रखी है। अब जो अंतर होगा वो बड़ी संख्या में से तो घटाएंगे आप उसको, मतलब कि जो आपका ए बी छोटी संख्या है तो ए बड़ी संख्या हो गई, तो ये बड़ी वाली संख्या में से तो घटाएंगे। अगर इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एडिशन का क्या हो जाएगा? ए बड़ी मानते हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू
ए प्लस भी हो जाएगा, एडिशन है तो ए प्लस भी हो जाएगा और डिफरेंस है तो ए माइनस भी हो जाएगा, ये इक्वल टू टू। अब बी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए प्लस 10 यूकल ए माइनस 10 मल्टीप्लाई टू। अब इस सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, तो 1/10 रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ए माइनस 20। अब क्या है, अब पक्षांतर कर लीजिए, तो इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 जोका तो रहेगा, 20 करेंगे तो प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 3 है 2 ए है, यहाँ पर क्या है आपका 2 ए है और माइनस ए आएगा तो क्या हो जाएगा। अब आप कर लीजिए 30 इजिकल और ये कितना रह जाएगा यहाँ पर ए रह जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 आ गई, तो इट्स अ राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है, छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे देख लेंगे मतलब जो एडिशन होता है योग है बराबर डिफरेंस के दो गुना है। अब मान लीजिए कि जो आपकी बड़ी छोटी संख्या है, छोटी संख्या कितनी 10 रखी है, तो बड़ी संख्या आपने ए मान लिया। अब क्या करेंगे, योग क्या होता है ए प्लस बी का जोड़ेंगे, अंतर क्या होता है ए माइनस बी से मल्टीप्लाई टू। अब ए की बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10 दे रखी है शुरुआत में, ए प्लस 10 इज इक्वल टू ए माइनस 10 मल्टीप्लाई टू, ए प्लस 10 इज इक्वल टू 2 ए माइनस 20। अब क्या करेंगे 10 प्लस, अब देखिए इसको इधर इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का है तो किसका हो गया प्लस का हो गया, और ये यहाँ प्लस का है तो इधर ले जाएंगे तो क्या किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 माइनस 2 ए माइनस ए, तो यहाँ पर 10 प्लस तो 13/a हो गया, तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 13 आ गई, तो यही आपका क्या है इट्स आंसर। बाकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू गाइस।